फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बच्चों के बारे में बात करते हैं आज। जैसे बच्चे क्राई करते हैं स्कूल जाने में, कुछ 5-6 दिन तक तो करते ही हैं, कुछ बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। तो अगर इस तरह से बच्चे कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से समझाना चाहिए कि बच्चा आसानी से पसंद करे स्कूल जाना। तो पहले तो आप यही याद रखिए कि जैसे अभी घर पे हैं बच्चे के साथ, अभी स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसको अच्छे से समझा दीजिए कि स्कूल बहुत अच्छा होता है, वहाँ बच्चे से बच्चे के लिए खेल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, झूले हैं, पार्क हैं, वो सब होते हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं मैम लोग देते हैं। और फिर ये भी बताइए उसको कि जब वो स्कूल जाएगा तो आप भी उसके साथ जाएंगे 2-3 दिन शुरू में। और हर जगह स्कूल में रिसेप्शन होते हैं, विजिटिंग रूम होते हैं, तो जहाँ भी पेरेंट्स के बैठने की व्यवस्था हो तो वहाँ पेरेंट्स बैठे और आप थोड़ा ये सब उसको आइडिया दे दीजिए कि आपको क्लास में जाना होगा। वहाँ क्लास में अलाउ नहीं होता मम्मी लोग को, किसी भी बच्चों की मम्मी नहीं आती। तो उसे अच्छे से अच्छा थोड़ा पॉजिटिव समझा के कि स्कूल में सब अच्छा ही होता है, कंप्यूटर होता है, LCD होता है, वो सब पीरियड होंगे तो इसको करना होगा, इसका मनोरंजन भी अच्छा होगा। तो सब बच्चों को थोड़ा बहुत इस तरह से बताएं कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और साथ में ये जरूर बता दें कि आप जाएंगे 2-3, ये ना बताएं 2-3 दिन तो वो कहेगा रोज, जब बच्चा 4-5 दिन में घुल मिल जाएगा, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है फ्रेंड के साथ। तो फिर आप यही रखिए कि हाँ जब जाओगे फर्स्ट डे स्कूल चलेंगे, लेकिन वो अलाउ नहीं रहता क्लास में, तो रिसेप्शन में विजिटिंग रूम जो भी होगा वहाँ पेरेंट्स के बैठने का, तो वहीं पे बैठेंगे। जब छुट्टी हो बच्चे की तो फिर आप उसको अपने साथ लेके आ जाइए घर, तो थोड़ा बच्चों को हौसला देते रहें। तो बच्चों में एक रहता है कि नहीं मम्मी को ही होना चाहिए, छोटे बच्चों को तो खास करके जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, मम्मी को हर जगह अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में भी। तो उनको इस तरह से भी आप समझा सकती हैं। फिर भी मान लीजिए अगर बस आ गई हो, परेशान कर रहा है, तो आप बस के ऊपर जाके, बस में अंदर, मतलब बस के अंदर जाके चढ़ जाइए, बस में बता दीजिए जो भी बच्चे बैठे होंगे, किसी की मम्मी वगैरह नहीं बैठी हैं, और देखिए कोई भी बच्चा नहीं रो रहा है, सब बच्चे खुश हैं, कोई क्राई नहीं करते बच्चे, अच्छे से आप जाइए। 2-3 दिन जाने के, आपके जाने के बाद भी अगर ये हाल कर रहा है बच्चा, मान लीजिए फिर भी नहीं मन कर रहा कि बस में बैठ के जाए, कैसे आप कहाँ तक जाएंगी, तो थोड़ा ये भी बताइए बच्चे को। और फिर बच्चा जब आता है घर तो उससे पूछिए, क्लास में देखता होगा कि क्लास में और बच्चों की मम्मी आती हैं क्या, तो खुद ही आंसर मिल जाएगा उसे कि किसी की मम्मी नहीं आती तो हम कैसे करें। तो ये सब थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा बच्चे को। और भी जो बातें आप समझ रही हैं पॉजिटिव वे में, कि ताकि बच्चे को एक अच्छा एटमोसफियर स्कूल में भी रहे और घर से भी आप उससे खुशी भेजें स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो पहले ही 12-1 बजे तक का प्रेशर जो भी अपने आप में क्रिएट करता होगा, तो प्रेशर तो है ही उसके लिए कि अभी घर नहीं पहुंचा, मम्मी के पास नहीं पहुंचा, फिर बस फिर स्कूल। तो घर में आते ही आप उसको कोई प्रेशर ना दें बिल्कुल, जो भी कुछ कहना है, संडे के दिन अलग टाइम रहता है घर पर, तो आपके पास भी टाइम है, आप उसे मान लीजिए आधा घंटा बच्चे को खुश करने में, गोद लेने में, बहलाने फुसलाने में ही लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रूटीन में इतना टाइम नहीं होगा ना उसके पास ना आपके पास। मान लीजिए बच्चा स्कूल जाए फिर आपको होमवर्क करवाना रहता है, उसी बीच फिर कहीं किचन के कोई काम, पूजा पाठ के कोई काम, कई काम आते हैं ऐसे। तो यही कोशिश रखिए आपके वहाँ की जो 6 दिन की बात है, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप तो संडे के दिन ही उसको बताना जरूरी है, जहाँ जो 6 दिन में गलतियाँ करेंगे कि हाँ ये ऐसा किया था। अगर कुछ आपको थोड़ा और भी जो कुछ डांटना हो, कुछ कहना बच्चे को, तो छुट्टी के दिन आपके पास टाइम है, बच्चे के पास भी टाइम है छुट्टी के दिन, बाकी रोज बहुत बिजी टाइम रहेगा, दोपहर में बच्चे आते हैं उनको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी वो फ्रेश फील करेंगे अपने को। जब फ्रेश माइंड रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा बच्चा कुछ भी पड़ेगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड। तो बच्चे को जब आप स्कूल भेजें कि वो क्राई ना करने पाए, तो
लंच बॉक्स में उसके मन पसंद का रखे, जो कुछ भी वो खाता हो उसको बता के जरूर पूछ के कि कल क्या ले जाना है। शाम को ही पूछ लिया करें आप कल क्या ले जाओगे, फिर अब कल का हो गया परसों, अब फिर क्या ले जाओगे नेक्स्ट डे, तो वो खुद ही बताएगा। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने अगर उसे स्ट्रैपिंग का कोई पराठा रखा, एक पराठा रखा कि वो चाहते कि थोड़ा सा आधा पराठा खा लें, कुछ और भी चीज़ खाएं, तो कोई जो भी वो बिस्किट वगैरह पसंद करता हो बिस्किट वगैरह रख दें, जो भी बच्चा पसंद करता हो आप ठीक समझें, क्योंकि आप ही सब उसका रूटीन फॉलो कर रही हैं। तो वही होता है फ्रेंड बच्चों के साथ कि ये हमारा बताना, ये आपका कोई काम ना करे, वो कभी पापा से या अपने कोई और फैमिली मेंबर हो उनसे ही खुश हो जाए तो क्राई करने की कहीं बात ही ना आए कि स्कूल में, अगर फिर भी स्कूल से आने के बाद भी लगातार रो रहा है कि नहीं क्यों भेजा कल नहीं जाना, फिर थोड़ा पापा को भी फोन से बात करवाते रहिए, जो कुछ इसको मंगवाना हो तो एक लिस्ट के नाम पापा बना लेंगे, बताते जाइए आप, पापा भी समझ रहे होंगे कि स्कूल गया था तो वो लिस्ट भी थोड़ा 10-12 मिनट उसका माइंड डाइवर्ट रहे कि अगर स्लीपर मंगवाना है किस कलर की, पेंसिल बॉक्स दूसरा मंगवाना है किस कलर का, किस डिजाइन का, अगर कोई अपनी टी शर्ट पेंट मंगवाना हो, जो भी उम्र से मंगवाना हो, टी शर्ट मान लीजिए मंगवाना तो कुछ उसमें बना हो कुछ लिखा हो, बातों में डाइवर्ट करना कि थोड़ा बच्चा भूले। लेकिन सबसे बेस्ट होना तो यही है कि उसको खिला पिला के सोना ही बच्चों के लिए बेटर होता है, तो वो फ्रेश फील करते हैं जब शाम को जगेंगे, फिर अपना पढ़ा लीजिए, और फिर जब पढ़ाई करके उससे थोड़ा बहुत टाइम जरूर दीजिए उसके मनोरंजन के लिए, जो भी वो पसंद करता हो, कार्टून नेटवर्क नॉडिपो वगैरह जो भी बच्चों के सीरियल वगैरह होते होंगे, जब पढ़ाई कर ले तब उसमें भी उसको। नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।